जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक फाइनेंशियल सेक्टर का छोटा सा स्टॉक है, विजय सागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में, एनबीएफसी से जुड़ी हुई कंपनी है, बेसिकली लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है और काफी चर्चित कंपनी है। फिनी स्टॉक की श्रेणी में जब इसकी बात की जाती है तो इस स्टॉक का नाम लगभग आता ही आता है, तो इसके बारे में समझेंगे और साथ में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। पहले जिसका इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में तो बात होगी, शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले जिसमें बताया, कंपनी एनबीएफसी में काम करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसको बोलते हैं, और लोन जो कंपनी देती है उससे इस कंपनी की कमाई होती है। मतलब इससे जो लोन देने से कंपनी को जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ये कंपनी का बिजनेस चलता है, मेन कमाई इसी से होती है। अब देखिए, आजकल ये जो एनबीएफसी कंपनी है ना, ये काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि आपको पता है जो भी चीज़ें हैं आजकल आपको ईएमआई पर आसानी से मिल जाती है, और जो भी चीज़ ईएमआई पर मिल रही है उसमें बैंक मदद नहीं करता है। ये जो एनबीएफसी कंपनियाँ होती हैं ये ईएमआई को और मतलब आसान बना दी है, और ईएमआई जो है आजकल आसानी से आपको मिल जाता है, ईएमआई पर कोई भी चीज़ मिल जाता है। तो इसलिए ये जो सेक्टर में काम करने वाली कंपनियाँ हैं, जो नॉन बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनियाँ, उनकी शेयर में तेजी आने के चांसेस रहेंगे हमेशा, इसलिए इसमें सही समय पर देखिए इन्वेस्टमेंट करना हमारा एक सही कंपनी में जरूरी होता है। यदि हम लोग बात करें कंपनी के फंडामेंटल का, तो आप देखेंगे तकरीबन 52 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप, यानी कि वैल्यूएशन काफ़ी कम है, छोटी कंपनी है, और स्टॉक का पीई भी काफ़ी कम है, यानी कि एक सही समय हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। मैं आपको चार्ट को लेवल देख बताऊंगा कहाँ पर इसमें एंट्री और एग्जिट करना है। शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम है, एक चिंता की बात है। बुक वैल्यू से हमेशा कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम है। तो ये उतनी चिंता की बात नहीं, क्योंकि जब ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो और उस सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनी है उसका भी लगभग सब कुछ ठीक है, तो शेयर प्राइस आने वाले समय में ग्रो कर ही जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तकरीबन 3.5% के आसपास कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कम से कम 3.5% का रिटर्न निकाल कर देने का ये स्टॉक आपको दमखम रखता है, और उसी हिसाब से आरओसीई भी होता है। आरओसीई में क्या होता है कि इसमें इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स दोनों का पैसा होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसको कहते हैं, और आरओई हो गया जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में रिटर्न मिलता है। तो ओवरऑल फंडामेंटल ठीक है, आगे और भी फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से चार्ट को एनालाइज करते हैं, चार्ट कंपनी का क्या बोलता है। तो अभी हम लोग कंपनी के एक साल के चार्ट पर आए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी भी कंपनी का जो ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड है, कंपनी का शेयर प्राइस जो है ऊपर की तरफ ही मूव करते हुए आपको दिख रहा है। हालांकि अलग बात है कि ये जो इसके लिए सपोर्ट का काम करें 90 पैसा, इसके लिए रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी, क्योंकि यहाँ पर पहले देखेंगे यहाँ पर कई बार स्टॉक ने आकर समय बिताया है, तो इसलिए ये लेवल जो है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान देना है कि ये जो एक प्रकार से कह सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इसके नीचे प्राइस को नहीं आना चाहिए, और प्राइस इसके नीचे आएगा भी नहीं, हो सकता है कि प्राइस इसी में समय बिता के यहाँ पे और फिर यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट करेगा, तो इजीली प्राइस आपको 150 से 200 रुपये तक शॉर्ट टर्म में आपको जाते हुए दिखेगा। कहाँ से कहाँ तक, 150 से 200 रुपये तक, इजीली एक बार इस लाइन को यहाँ से ब्रेक कर दिया तो प्राइस 150 से 200 रुपये तक जाते हुए दिखेगा, इस लाइन को इसको ब्रेक करना जरूरी है। अब जिसको एंट्री करना है वो क्या करेगा कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने लगे तो यहाँ पे नया एंट्री ले सकते हैं, एवरेजिंग अभी नहीं करना, जिसके पास पहले से स्टॉक है वही यहाँ पे बने रहेंगे। वही यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक डब्लू टाइप का भी बनते हुए यहाँ पैटर्न आपको दिख रहा है, तो जब भी डब्लू टाइप का पैटर्न बनता है शेयर के चार्ट पर तो वो एक तेजी का संकेत होता है, और जब एम टाइप का पैटर्न बनता है तो वो एक गिरावट का संकेत होता है। तो यहाँ पर एम बना था और प्राइस नीचे आया, और यहाँ पर डब्लू बनते हुए जा रहा है तो प्राइस अब ऊपर जाने के चांस रहेंगे, और मैंने आपको टारगेट बता ही दिया है। एंट्री कहाँ पर लेनी है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं जो प्राइस यहाँ से ऊपर निकले। तो अब हम लोग कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे ये पता लगता है कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो क्वार्टर टू क्वार्टर मजबूत हो रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं सेल्स की, दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी का सेल्स हुआ है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा हुआ है, इसमें जो रिजल्ट आया था सितंबर क्वार्टर में उसके पिछले क्वार्टर के में ज़्यादा आया था, यानी कि ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है ये आप देख सकते हर 3-3 माह पर कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है। हालांकि इस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दिसंबर क्वार्टर के में प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखा है, प्रॉफिट नहीं हुआ इसमें, क्योंकि कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं। यहाँ पे जब आप एक्सपेंसेस देखेंगे क्या होता है, आदमी पास जब पैसा आता है ना तो वो अंधाधुन खर्चा करता है, हालांकि ये सही नहीं है। तो यहाँ पे खर्चे बढ़ गए हैं, और ये जो 70 करोड़ खर्च हुए हैं ये आप देखेंगे तो 59 लाख के आसपास इस कंपनी का सेल्स हुआ, तो उससे ज़्यादा कंपनी ने खर्च किया था, जिस वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में आया था। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जब आप बैलेंस शीट में देखते हैं तो कंपनी का चूंकि प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कर्जे जो है कंपनी के डेप्ट वो आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कंपनी का जो डेप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व पैसा है ये अभी पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा है, लेकिन मेन है कि यदि डेप्ट और जो रिजर्व पैसा है वो दोनों साथ साथ बढ़ रहा है तो ये सही चीज़ नहीं है। आपको डेप्ट यहाँ पे कम होना चाहिए और रिजर्व जो है कंपनी का वो बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें फंडामेंटल जैसे मैंने बताया कंपनी की जब सेल्स क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रो कर रहा है, सेल्स लगातार ज़्यादा हो रहा है, तो ये आने वाले समय में सेल्स ज़्यादा होने की वजह से कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट है जो लॉस में चल रहा है वो
तब प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाएगा और उसके बाद शेयर प्राइस में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगा। फंडामेंटल ओवरऑल मजबूत हो रहा है कंपनी का, इसमें चिंता की बात नहीं है, ये थोड़े समय के लिए घबराहट है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं तो विजय सागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक मजबूत कंपनी नजर आती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो मेरा एनालिसिस था मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।